कॉल आने पर फुल स्क्रीन फोटो हम कैसे सेट करें, आज मैं आपको यही सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ। मैं दूसरे फ़ोन से कॉल लगाता हूं इस फ़ोन में और आप अभी देखेंगे यहां पे जो कॉल आएगी ये देख सकते हैं, इस तरीके से फ़ोटो चलेंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके के फ़ोटो लगाना चाहते हैं, आपको जब कॉल आएगी किसी की तो इस तरीके से आएगा, बहुत ही कमाल का यहाँ पे कॉलर आईडी बन के आएगा। तो यहाँ से आप कॉल को रिसीव करेंगे और यहाँ से इजी बात भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इस सेटिंग को आप कैसे कर सकते हैं अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी पार्ट स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैं विदाउट ऐप की बताऊँगा, कोई भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको देखो क्या करना है, सबसे पहले जो भी फोटो हो, ठीक है, जहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाओ कर लीजिए, आपका खुद का फोटो हो वो भी आप लगा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने डायलर में जाना है, जैसे कि मैं डायलर में आ चुका हूँ। डायलर में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा थ्री डॉट, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग, सेटिंग पे क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ऊपर से नीचे की तरफ आना है, तो यहाँ पे एक आपको दिख जाएगा कॉल बैकग्राउंड का, कॉल बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। कॉल बैकग्राउंड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा बैकग्राउंड का, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगा यहाँ पे प्लस का एक आइकन, प्लस पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है फ्रॉम सेलेक्ट फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करना है। अब आपने फोटो पहले से अगर डाउनलोड कर रखा होगा तो यहाँ पे फोटो आपका होगा, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से इस तरीके से फोटो यहाँ पे GIF यहाँ पे डाउनलोड कर लिया था, ठीक है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड करना है आपको। यहाँ पे सेट अस कॉल बैकग्राउंड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ये कर लेंगे उसके बाद मैं आपको यहाँ पे कॉल लगा के दिखाता हूँ दूसरे फ़ोन से, इस तरीके से आप देखेंगे अभी यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि कॉल आ चुका है, ये देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से कमाल की सेटिंग आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से फोटो डाउनलोड कहाँ से करने हैं मैं आपको तरीका वो बता देता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको देखो क्या करना है, नेट को ऑन करना है और आपको अपने प्ले स्टोर में जाके एक ऐप है इमेज सर्च, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इमेज सर्च ये मैं ऑलरेडी अपने फ़ोन में यूज़ करता हूँ, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इसे आप ओपन करेंगे। जैसे आप इसे ओपन करेंगे अब यहाँ पे आपको जिस भी एक्टर की फ़ोटो चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपको चाहिए सलमान खान की, ठीक है, सलमान किसकी भी, सल्लू भाई की किसी की भी चाहिए, तो सलमान खान डालना है। यहाँ पे आपको डालना है GIF, ठीक है, GIF, ठीक है, यहाँ पे आप डालेंगे, ठीक है, GIF डालेंगे, ठीक है। जैसे मैं डाल देता हूँ अभी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने GIF डाल दिया, इस तरीके से डालना है और सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से ये देखो आ जाएगा, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर जो भी आपको पसंद आए, ठीक है, जैसे कि आपको ये पसंद आए, जो भी पसंद आए XYZ, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो भी पसंद आ रही है आपको, जैसे बहुत सारी हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। और जो भी आपको पसंद आए, जैसे मुझे यही पसंद आती है तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको सेम वही करना है, डायलर में जाना है, थ्री डॉट में जाना है, सेटिंग में जाना है, कॉल बैकग्राउंड में जाना है, बैकग्राउंड पर क्लिक करना है, प्लस पर क्लिक करना है, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है, और सल्लू भाई की ये देखो फोटो रही, इस पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर सेटस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ दूसरे फ़ोन से कॉल करके, देखना अभी किस तरीके की कमाल की यहाँ पे आए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, ठीक है, कितना ज़बरदस्त आ रहा है भाई साहब, मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। देखो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। जय हिंद।